तुम अब भी सतनाम जी के साथ हो? नहीं मैडम, वो सतनाम जी मेरे मशीन पे बैठे हुए, तो वो यहाँ से उठ जाए तो मैं अपना काम शुरू करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उठिए ना। बबीता मैडम, हम आपके साथ, हम अपने काम से धोखा नहीं करेंगे। ये मशीन हमारी रोजी रोटी है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। वैसे मैडम जी, आप मट्ठा बहुत अच्छा बनाती हैं। अब बताइए हमें करना क्या है? हमें काम आज ही खत्म करना है, किसी भी हालत में कल सवेरे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। आप लोग काम शुरू कीजिए। एग्जाम क्यों नहीं दी तूने? कहाँ गई थी तू? कहाँ गायब हो गई थी? पटरगस्ती कर रही थी क्या अपने दोस्तों के साथ? इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है तू मिन्नी? कॉलेज में दाखिला कोई मायने नहीं रखता है तेरे लिए। और क्यों नहीं गई तू उससे पहले? सब करने से पहले बवाब मत, और मैं मर मर के काम कर रही हूँ कि मेरे बेटे का भविष्य बनेगा। थी ना मिनी, तो मैंने वादा किया था तुझसे और अपने आप से कि मैं तुझे सपने देखने से कभी नहीं रुकूंगी। तू सपने भी देखेगी और उन्हें पूरा भी करेगी, पर अगर जब तू पढ़ाई नहीं करेगी तो फिर सपने पूरे कैसे करेगी? नहीं आ रहा है मुझे मिनी, कैसे कर दिया तूने ये इतनी बड़ी बात? क्यों किया मिनी तूने ऐसा? क्यों लड़की इतनी लापरवाह क्यों है? कैसे इसलिए तू परीक्षा छोड़ के भाग गई? तन्ने के लगा कि क्यों करके बहुत बड़ी फिल्म हीरोइन बन जाएगी तू। शाबाश, के महान त्याग किया है आपने। यो जूते के लिए आपने अपना जो करियर है उसको दांव पे लगा दिया। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? बहुत बढ़िया साहब, पेप्स के पैरों में बहुत छाले थे, मुझसे देखा नहीं गया। ओके, छाले हुए थे ना भाई, उस पर थोड़ा मल्लम पट्टी लगाते, थोड़ी सी फर्स्ट एड कर देते, उसका हो जाता ठीक। अच्छा चल भाई, जूते खरीदने थे, पैसों की जरूरत थी आपको, मेरे से मांग लेते आप, मना तो नहीं करता मैं आपको। अरे नहीं सॉरी, वो कैसे मान लेते हैं आप लोग?
सेल्फ रेस्पेक्ट, मदर डॉटर में सेल्फ रेस्पेक्ट ही भरी पड़ी है बस। अच्छा एक बात बता, सपोज करो तू नहीं पढ़ पाई, अनपढ़ रह गया बिल्कुल एकदम अंगूठा छापे लिटरेट, फिर सेल्फ रेस्पेक्ट कहां चली जाएगी तुम मदर डॉटर की? देख तू बात बात पे टेसू ना बहाया कर तू, तू भी क्या करे बालिका ही है छोटी, तो बच्चे हैं बच्चों से गलती हो जाती है। ऊपर जाओ आप, जाके कान पकड़ो, बोलो मम्मी क्या बोलती हो बेब्स, कि भाई बात ऐसी है कि मेरे से हो गई गलती, ना आगे से ऐसा मैं कभी करूंगी ना आपसे कोई बात छुपाऊंगी। हनुमान अंकल, मैंने एक और बात छुपाई। पीपके मैंने अपनी स्कूटी भी बेच दी। ये लो मिठाई। मिठाई किस लिए? सब में बांट दो। लवली, बीजी, सुकी, गुड न्यूज है भाई, आपके बेटे ने डील फाइनल कर दी है, बिजनेस इज ऑल सेट। Wow! Congratulations! Thank you. But लेकिन what about हमारी जो conditions थी वो मान गए ना? भाई क्यों नहीं मानेंगे? बल्कि सारा paperwork भी set हो गया। फटाफट preparation शुरू करनी है। वैसे भी पुरानी टैक्सियों की servicing मैंने शुरू करवा दी है। अब नई टैक्सियां लेनी है। डिजाइन लेके आया हूँ। Choose कर लो। And office? Office का मैंने ये सोचा है कि अभी काम घर से ही start करते हैं। जब थोड़ी cash flow बढ़ जाएगी तो office भी ले लेंगे। हाँ। लवली, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, आई होप इट्स ओके ना? हाँ हाँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तेरा बिजनेस शुरू हो गया और हमें और क्या चाहिए? ले मिठाई खा। पहले आप खाओ। अब कम से कम इस घर के लोगों को तो यकीन हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के। शमी जी, बता दीजिए अपने लाडले को, हर बाप अपने बेटे का कद अपने से ऊंचा देखना चाहता है। दुख तो तब होता है जब बेटा इस बात को ना समझे। छोड़ो ना जी, आप घर में कितना खुशी का माहौल है, आप ना मिठाई खाओ। अशोक, वो ज्वेलरी जो मैंने तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ? ज्वेलरी? हाँ, बबीता की ज्वेलरी। मैंने बोला था ना कि वो वापस देकर आना, तुम गए थे ना वहाँ पे। ये जेवर है और ये उनकी रसीद है, गिरवी रखने। आपको कितना चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, गहने तो उससे भी ज्यादा क्यों होंगे। अशोक, हेलो। हाँ, क्या ज्वेलरी दी है कि नहीं दी है तुमने वापस? हाँ दे दी वापस। हाँ भाई, कोई मुझे भी मिठाई खिलाएगा कि नहीं? अरे हाँ ना, मैं खिला रही हूँ, ये ले खा, पूरी की पूरी खा ले। पूरी की पूरी खा ले। पिछले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई ना मिनी, क्या कुछ नहीं देखा हमने, क्या कुछ नहीं झेला, इतने तूफान, इतनी आंधियां, इतनी लहरों की थपेड़े, जिसमें हमारा सब कुछ बह गया।
फिर भी हम डूबे नहीं, तैर गए। ऐसा क्या था जिसने हमारी हिम्मत को बांधे रखा, बता क्या था? हमारा साथ मिनी, एक दूसरे पे भरोसा। मुझे तसल्ली थी इस बात की कि तुझे कोई भी तकलीफ होगी ना तो तू मुझे बताएगी, और मुझे जो भी दुख होगा मैं तेरे साथ बांटूंगी। फिर सब क्या हो गया मिनी? इतने दूर कैसे हो गए हम? इतने सारे झूठ क्यों बोल दिए तूने मुझसे? I'm sorry यार, मैं नहीं झूठ बोलना चाहती थी। मैं तो बस छिपाना चाहती थी। छिपा कहाँ पाई तू मिनी? सब पता था मुझे, सब। हाँ, इस इम्तिहान के बारे में नहीं पता था, इन जूतों के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाकी चीजें मैं जानती थी मिनी। मुझे पता था कि बैंक में पैसे खत्म हो गए। मैं जानती थी कि मुझसे छिपाकर तूने स्कूटी बेच दी है। मुझे पता था कि मेरी फूल सी गुड़िया अपने मन में कितना कुछ छिपाए बैठी है, कितना कुछ। पर मैं फिर भी चुप रही मिनी, मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे तसल्ली देके तुझे बहुत चैन मिलता है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ मिनी। दुख बस इस बात का है कि तूने अपनी बेब्स को इतना कमजोर कैसे समझ लिया? अपना दुख मुझसे सांझा क्यों नहीं किया मिनी? तू बोल बोलकर मेरा दिमाग आ गई थी कि we are in it together babes। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ babes, कुछ नहीं हुआ। We still are in it together, अभी भी और हमेशा। मुझे बताए मिनी क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, क्या चूक हो गई कि मेरी बेटी मुझसे इतना दूर हो गई। हमारे बीच तो सब कुछ क्लियर था ना मिनी, तेरे लुका छिपी कब से शुरू हो गई? क्यों? हाँ, मेरी गलती रही होगी। मैं अपने जॉब में और इन सब काम में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि तुझ पे ध्यान नहीं दे पाई। मां होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई मैं। प्लीज मत रो यार, प्लीज। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मत रो यार प्लीज बेब्स। मिनी तुझे क्या लगता है ये पैसे, ये जॉब, ये सब क्यों कर रही हो? ताकि तू पढ़ सके, तू एजुकेट हो सके, तू अपने सपने पूरे कर सके। पर अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी तो सब पूरा कैसे होगा मिनी? सबका फायदा क्या है? भगवान न करे अगर जैसा मेरे साथ हुआ शादी के बाद, अगर ऐसा तेरे साथ हो जाए मिनी, तो तू भी तो वही खड़ी रहेगी ना जहां पर आज मैं खड़ी हूं, कम क्वालिफिकेशन के, बिना जॉब स्किल्स के। फिर ये हम दोनों जो इतना सैक्रिफाइस कर रहे, इतना स्ट्रगल कर रहे, उसका क्या फायदा होगा? मतलब क्या निकलेगा? एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक बात आप लोग को कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप लोग का ये क्राइंग वॉशिंग, मतलब ये रोना धोना अगर हो गया हो, तो मैं अपनी तरफ से एक बात बोलूँ। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है कि आप लोगों ने ऐसा रोना धोना सा शोक सबासी मचा रखी है घर में? नहीं, खुद रिलाइज करो भाई, आप दोनों कोई अनोखी मदर डॉटर तो होनी इस पूरे वर्ल्ड में जिनका ये सब चक्कर चलता रहता है आए दिन। आप कोई अनोखी नहीं हो मदर जिसने अपनी बेटी के जोरदार थप्पड़ दिया, दर से गाल कर दिया लाल।
यो भी कोई अनोखी नहीं है जिसने अपनी मदर से झूठ बोल दिया हो। अरे रोज की बात है, रोज झूठ बोलते हैं, रोज थप्पड़ खाते हैं बच्चे ऐसे। ये तो प्रॉब्लम है हमारे टीनेजर्स की सबसे ज्यादा। और अभी तो वो अखबार में भी आया था, न्यूज़पेपर में, कि भैया जो टीनेजर्स हैं ना, बालक बालिका, ये लोग समझते नहीं है। पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं भाई हमारी पता नहीं कौन सी पालन पोषण के ना अपब्रिंगिंग के अंदर कौन सी गलती हो गई। अखबार में छपा कि जो मेजर प्रॉब्लम है ना हमारे कंट्री की, यही है सब जगह। एनीवेज, अब आप लोग ये समझो कि भाई करना क्या है, कि भाई इसको घर पे बैठना है कि इसको कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है, प्लीज सर एक चांस और देके देखिए मेरी बेटी को, ये बहुत मेहनत करेगी, आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देगी, प्लीज सर। नो 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 मिस बबीता, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज प्लीज सर, हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज एक बार, एक चांस और प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, रूल्स आर रूल्स। रहने दे बेबीज, कोई जरूरत नहीं है ऐसे हाथ मत जोड़, बैग मत कर ऐसा। तू चुप कर मिनी। सर आप जानते नहीं पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ है, जिसकी वजह से हम मिनी कॉलेज में टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाई। पर मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, ये देखिए इसकी, ये मार्कशीट देखिए आप, देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए इसके। मुझे ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज पसंद नहीं है। और इनके मिस्टर हनुमान, राइट, इनके कहने पर आपकी बेटी को मैंने दूसरा चांस दिया, पर आपकी बेटी तो इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल निकली कि एग्जामिनेशन हॉल से भाग गई। आपकी बेटी को अपने खुद के फ्यूचर की नहीं पड़ी है, और आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। और आप मिस्टर हनुमान, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मेरे को कि ये बच्ची बड़ी होनहार है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या किया सेकेंड चांस का आपकी बेटी ने? बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। और जानती है क्यों? क्योंकि आपकी बेटी इमैच्योर है, गैर जिम्मेदार है, ये बिगड़ी हुई है। आजकल के बच्चे कोई कदर ही नहीं है, हर चीज फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं ये। आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई है, ऐसे बच्चे बस अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स पर लायबिलिटी होते हैं। एक मिनट प्रिंसिपल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप मेरी बेटी की बेइज्जती किए जा रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी की इंसल्ट नहीं सुन सकती हूँ, अपने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई, इसे एग्जाम छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर आप जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया? ये, इसके लिए आपके कॉलेज की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ये मनी पैस जीती और उससे मेरे लिए जूते खरीदे। क्या करे, अपनी माँ के पैरों में चाले नहीं देख सकती ना मेरी बेटी। और आप ऐसी बेटी को गैर जिम्मेदार कह रहे हैं, जो अपनी माँ का इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका गुरूर है, जो उसको प्रेरणा देती है, जो उसको कभी कभी हारने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती है, हमेशा उसके ढाल बनकर खड़ी रहती है, ऐसी बेटी को आप बिगड़ा हुआ कह रहे हैं? नहीं सर, आप मेरी बेटी के खिलाफ ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। आप तो प्रिंसिपल है ना, प्रधानाचार्य, जो बच्चे के फ्यूचर को शेप करता है। पर अगर आप बच्चों को समझ ही नहीं पाएंगे तो उनके फ्यूचर को शेप कैसे कर पाएंगे? आपको मेरी बेटी की काबिलियत पे शक है ना, पर मुझे आप पे शक है, आपकी काबिलियत पे। गेट आउट। सर जी पहले आपकी क्वाइट हो जाओ। देखो भाई पहली बात तो ये है सर कि आप लेडीज से इस तरीके से बात नहीं कर सकते भाई, रेस्पेक्टेड लेडीज हैं आपके सामने, थोड़ा तो तमीज से बात करेंगे ना। मुझे मत सिखाइए कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। और मिस बबीता, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं देखता हूं कि मेरे रहते आपकी बेटी को इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.